अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी ने माजून जोरावर का नाम तो सुना ही होगा, जिसकी वीडियो मैंने पहले काफ़ी बना करके डाली थी। ये कंपनी का एक बनाया माजून आता है, ये आपने देखा भी होगा, बहुत लोग इसे जानते भी हैं और बहुत लोगों को इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला था। लेकिन वो पुराना वक्त था जब इसका अच्छा रिजल्ट आता था, अब इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। मैं इसलिए खुद किसी को रिकमेंड नहीं करता, ना ही देता हूँ। मैंने सोचा कि इस नुस्खे को घर पर कैसे तैयार किया जाए, उसी माजून को घर पर कैसे बनाएंगे आप, जो आपको वो पहले जैसा रिजल्ट। अब तक जिन जिन लोगों ने पहले पुराने वक्त में मेरे मुझसे दवाइयाँ मंगा रखी हैं, जैसे माजून जोरावर मंगाए हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट था। बहुत लगातार लोगों ने 3-3 महीने खाए और अच्छा रिजल्ट भी मिला उन्हें। लेकिन अब क्या होता है कि अब हर कोई ये कहता है कि भाई मैंने खाया, वहाँ से लिया, वहाँ से लिया, कोई फ़ायदा नहीं होता, बेकार है। तो वे लोग आज क्या काम करेंगे, इस नुस्खे को बनाएं। इंशाल्लाह ये माजून जोरावर का नुस्खा आपको दे रहा हूँ मैं, ये घर पर माजून आपको तैयार करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका, 3 महीने का ये कोर्स है और नामर्दी को जड़ से ख़त्म करता है। किसी भी कंडीशन में इसे आप ले सकते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर एजुकुलेशन यानी शीघ्र पतन में, या नफ्स ढीला है, जान नहीं है नफ्स में, टाइट नहीं होता है, सख्त नहीं होता है, तो इंशाल्लाह ये मानो जैसे लोहे की रोड को बोलते हैं, इस तरीके से आपका वजू हो जाएगा, इससे इतना ताकतवर वजू हो जाएगा। और इस नुस्खे को या तो शादी से 3 महीने पहले इस्तेमाल करें या फिर शादी के बाद इस्तेमाल करें। ख़ास करके ये शादीशुदा लोगों के लिए नुस्खा है, जिनके पास बीवी है 24 घंटे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी मायूस हैं, शर्मिंदा है अंदर से, ऐसे लोगों के लिए है। जो लोग नामर्द हैं पूरी तरीके से, जिनकी उम्र 40 से लेकर 50, 60, 70, 80 साल तक की है, ख़ास करके ये नुस्खा उन जैसे मरीज़ों के लिए मैंने बताया है। दोस्तों, इस नुस्खे में आपको क्या क्या चीज़ लेनी है आपको बता देता हूँ। अकरकरा लेनी है आपको ईरानी, इसके अंदर 20 ग्राम। जायफल लेनी है आपको 20 ग्राम। जवत्री 20 ग्राम लेनी है। कुश्ते फौलाद 5 ग्राम। कुश्ते संख्या 5 ग्राम। कुश्ते शंगरफ 5 ग्राम। छोटी इलायची 20 ग्राम। ज़ाफ़रान 5 ग्राम। सालब मिस्री 20 ग्राम। सालब पंजा 20 ग्राम। बादाम 20 ग्राम। अखरोट 20 ग्राम। उसके बाद आप इसमें इस्तेमाल करेंगे चिलगोज़ा 20 ग्राम। मगज़ फंदक 20 ग्राम। ये सारी चीज़ आप लिख लें पर्चे पे, मेरी वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं आसानी से। और सारी चीज़ों को पीस करके इसे शहद की मदद से माजून बनाएं और इसका आधा आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आप 3 दिन में ही देख लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, रुकावट के लिए, जोश के लिए, तनाव के लिए। दोस्तों, यही नुस्खा, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए इस नुस्खे की, तो इंस्टाग्राम पर मेरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। इंस्टाग्राम पर जाइए, हकीम जी हेल्थ सर्च करके मुझे फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं आपको नुस्खा दे दूँगा। दूसरा, अगर आपको इलाज की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो नंबर डाला है, चाहे आप फ़ोन भी करके ये माजून बनवा सकते हैं। दोस्तों, नुस्खा अच्छा लगा हो लाइक करें। खुदा हाफिज़।